नमस्कार, मैं यशी कुशवा HP न्यूज 24 से ताज़ा खबरों के साथ एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। आज की ताज़ा खबरों में, नायब तहसीलदार ने महिला को दिया धक्का, मजदूर को मारा थप्पड़। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ तहसील के बोर टप्पा के नायब तहसीलदार सत्यनारायण मालवीय की गुंडागर्दी। महिला को मारा धक्का और मजदूर को मारा थप्पड़। आपको बता दें कि बोड़ा नगर के वार्ड क्रमांक 15 निवासी मजदूर श्रीलाल राठौर को नायब तहसीलदार सत्यनारायण मालवीय ने मारा थप्पड़ और उसकी मां चंदाबाई राठौर को लगाया धक्का। जानकारी के अनुसार शनिवार शाम करीब 6 बजे बोड़ा में नायब तहसीलदार सत्यनारायण मालवीय द्वारा किसी की शिकायत पर वार्ड 15 में इंदिरा आवास कॉलोनी बोड़ा के श्रीलाल तेली के घर पहुँचे, जिसने एक दीवार की शिकायत को लेकर नायब तहसीलदार बोड़ा नगर के मजदूर श्रीलाल तेली के घर पहुँचे थे, जहाँ बिना नोटिस दिए और बिना कोई जानकारी दिए एक कागज पर श्रीलाल के परिवार से हस्ताक्षर कराने की जिद कर रहे थे। इधर श्रीलाल ने मना करने पर नायब तहसीलदार भड़क गए और खड़ी खोटी सुनाते हुए 24 घंटे में पूरा मकान गिराने की धमकी दे रहे थे। वहीं श्रीलाल ने मना कर दिया तो नायब साहब ने इस गरीब मजदूर श्रीलाल तेली को थप्पड़ जड़ दिया और उसकी माँ को धक्का मार दिया। इधर श्रीलाल ने बोड़ा थाना पर नायब तहसीलदार पर कार्रवाई करने के लिए आवेदन भी दिया है। आपको बता दें कि किस अधिकारियों ने इस नायब तहसीलदार को मजदूर को पर हाथ उठाने का अधिकार दिया है। वहीं इस मामले को लेकर श्रीलाल राठौर राजगढ़ SP व जिला कलेक्टर से भी कार्रवाई करने हेतु शिकायत करने पहुंचेगा। जानकारी के अनुसार नायब तहसीलदार द्वारा आज दोपहर को नरसिंहगढ़ के पास स्थित छोटा बेरसिया में भी एक मजदूर को थप्पड़ मारने की जानकारी मिल रही है और पिछले कुछ माह पूर्व भी निपानिया गढ़ी में किसान के साथ भी कुछ हरकतें करने का मामला सामने आया था। आपको बता दें कि इस घटना के बाद गरीब मजदूर को थप्पड़ मारने वाला नायब तहसीलदार पर प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है या फिर ऐसी गरीबी पर अत्याचार होता रहेगा। मंडावर से हुकम प्रजापति की रिपोर्ट। मैं साइन कर रहा, आप देगा नहीं, फालतू में देगा नहीं, तेरा जबरदस्ती दे रहे हो तुम, फालतू में देगा नहीं, चोरी नहीं करी कोई, फालतू में वीडियो के बाद जब मैं साइन कर रहा नहीं, रातों रात लड़के दे रहे नहीं, फालतू में देने की बात नहीं यार, रातों डंडो जब इतरे जाओ, जाओ इतरे जब कह रहे नहीं, मैं जा रहे भी की जगह दे रहे डंडा जबरदस्ती दे रहे, मैं साइन कर तो रही आपसे, आप बोल रहे मैं साइन कर रहा, जबरदस्ती कर रहे तो सर मैं साइन कर रहे नहीं, मैं कर तो रहे साइन, तो मैं कहते रहे बाबू जी लाए मैं आप लेट जबरदस्ती में कह रहे साइन कर रहे नहीं, मैं हाँ मैं साइन कर रहे नहीं आपका, जब कह रहे मैं साइन कर रहे बाबू जी, मैं साइन कर रहे नहीं। तहसीलदार साहब आए घर पे, आके बोला पापा कहाँ हैं, मैंने बोला कि सर क्या है कि कागज पे साइन करो, मैंने बोला कि कागज कौन सा है कि कागज पे साइन करो, मेरे पापा नहीं है सर यहाँ पे, तो मेरी मम्मी में एक थापड़ की थी, फिर मैंने बोला मोबाइल में से फट देने से उनकी रिकॉर्डिंग की, मेरे पे भी रिकॉर्डिंग की, उन साहब की रिकॉर्डिंग की, मैंने तहसीलदार साहब नायक तहसीलदार साहब सत्यनारायण मालवीय जी की, उनने मेरी मम्मी को दे पड़ी है, फिर मैंने मोबाइल में रिकॉर्डिंग अपनी रिकॉर्डिंग करी, फिर मेरे साथ भी झूने झटकी करी उनने, मेरे को भी झापट दी और 24 घंटे के अंदर तेरा मकान तोड़ दूँ मैं, तेरे खिलाफ आवेदन है, मैंने कौन सा सर इस पे साइन करो सर मेरे को बताओ सही, और मेरे पाँव पकड़े और मेरे को जीप में पटक के ले जाने लगे, मेरी मिसेज ने मेरी मम्मी ने छुड़ाया मेरे को, गाली गलौज की और दुर्व्यवहार किया मेरे साथ, मम्मी के साथ भी महिला के, हाँ मेरी मम्मी को दी पहला, फिर इसके बाद में मैंने मोबाइल निकाला, मोबाइल निकालने के बाद में वीडियो शूटिंग की, फिर उनकी वीडियो शूटिंग हो पाई, फिर आपने अब थाने में क्या करा, थाने में कंप्लेंट दर्ज की उनके सर, हाँ जी सर, उनने बोला लाठी लेके आओ, मैंने क्या है सर के डंडा लेके आओ, ये भी बोला, मैंने सर क्या है लेके आता हूँ मैं, क्या चाहिए आपके पास साक्ष्य के तौर पे, क्या है कैसा सर सबूत है क्या आपके, हाँ मेरे पास वीडियो शूटिंग है ना सर, अच्छा जो झापट थे, हाँ झापट देते हुए का वीडियो शूटिंग है, क्या मांग, क्या आप शासन प्रशासन से क्या मांग रखेंगे सर जी, मैं जब बना अनुमति के मेरे वैसे ही दी, मतलब आके आपके पास कोई नोटिस वगैरह आया, कुछ भी नहीं आया सर, आपकी मम्मी के साथ भी झूमा झटकी, मेरी मम्मी को दी, इसके बाद में फिर मेरे को दी, मैंने तुरंत मोबाइल में वीडियो शूटिंग की, देते हुए गाली गलौज की, इसके बाद में मैंने वीडियो शूटिंग बनाई, कपड़े वपड़े कपड़े वपड़े
अगर आपको न्याय नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? श्रीमान जी, इस निवेदन है, ऐसे अधिकारियों को, भ्रष्ट अधिकारियों को आना नहीं चाहिए। मतलब मेरे साथ में अविरुद्ध व्यवहार किया, ऐसा मेरी सुनवाई नहीं हुई तो मैं धरना प्रदर्शन पे बैठूंगा, भूख हड़ताल पे बैठूंगा। श्रीमान जी मेरे सुनवाई करे, महोदय के पास, SDM महोदय के पास जाऊंगा मैं, धरना पे बैठूंगा सर। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? श्रीमान जी से निवेदन है, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को नहीं होना चाहिए सर, सस्पेंड किया जाए, और नहीं तो मैं उनके, मैं अपनी मौत कर लूँ। मेरे को अभी तक किसी ने झपट नहीं दी, इनने मेरे साथ छीना झपटी की, मेरे को मारपीट किया, मेरे को न्याय नहीं मिला मेरे पास, तो मैं मर जाऊँगा सर। मेरे को न्याय चाहिए सर। श्रीमान जी से निवेदन है, बिना अनुमति के मेरे साथ ऐसा अवैध व्यवहार किया इनने। क्या धंधा करते हैं आप? मैं सर दुकान करता हूँ ठेले पे, बाजार में, हाट बाजार में। और क्या धंधा करते हैं आप? सर मैं दुकान पे, ठेला पे, बाजार पे बैठक का काम करता हूँ, हाट बाजार जाता हूँ। और इतने पैसे कहाँ से लाए? लॉकडाउन में कैसे मकान बना रहा है, कैसे नहीं बोल रहा है, ऐसे बोले सर मेरे से। कौन बोला ऐसे? नायक तहसीलदार साहब बोले सर, आके अपनी टीम के साथ आए और मेरे साथ ऐसे। कितने लोग थे? लगभग 5-6 लोग थे सर। हाँ, क्या बोले? और के इतने पैसे कहाँ से लाए, कहाँ से नहीं लाए, ऐसे ऐसे बोले सर मेरे से। क्या बोला? नगर में केवल आपका ही मकान बन रहा है और नहीं, सभी का बन रहा है सर, सभी का मकान बन रहा है, निर्माण कार्य सभी का चल रहा है, सभी का चल रहा है सर। मैंने वो दीवार की तो कैसे कितने पैसे कहाँ से लाए, कहाँ से कर रहा है, कहाँ से नहीं कर रहा है, ऐसे किया सर। चंदा भाई, क्या समस्या आपकी? यो लो परेशान करे ये आके, कौन करे ये? तहसीलदार साहब। तहसीलदार, क्या घटना घटी आपके साथ? ये लुम्बा झूमिया मार छोरा के झापट के दे फड़ी। किन्ने दी? उन्हें नायक तहसीलदार ने, और हमने बचाऊ नहीं तो वो कहीं मालूम जीप में पटक के मार के गले ले जाते। डंडा मंगवाए उन्होंने। हां, डंडा हाथ से दी नू करके झापट दी। लाड़ी बोली, मैं आई बीच में तो और करके और मोड़ पे जो वो लाड़ी बोली। आप कौन है? सर मैं इनकी पत्नी हूं। अच्छा, आपका क्या नाम है? सुनीता। देख करो लो, हम हमारे छोरा बरना कसूरी से ऐसे करे तो फिर हमने के लिए हम लिख देंगे, लिख रहे दस्तखत कर रही, मना थोड़ी करी हमने। क्या लिखना है आपसे? साइन करो इस, साइन करो इस पे, और कागज फेंक गए हमारे घरे। अच्छा, बिना बताए साइन करवाए? हाँ। झपट मार दी मैं छोरा के, जो फिर मोड़वा जो हुई मैंने कही करो तुम भैया कानून से बोलो। और क्या घटना घटी आपसे? बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं, बात ही नहीं सुने। घर में आके मानने लगे, घर में घुसबा लगी। नहीं मैंने कही तुम अधिकारी है तो तुम कानून से बात करो। तो मारे भी झपट मस्त दौड़िया तो नायक तहसीलदार ने दी, मारे पीछे पीछे हट गई, देवा लगी मारे न्यू करी तो पीछे हट गई। हाँ, जिसने आपके बच्चे को दी वही दे रहा था? हाँ वही दे रहा था। बोलो मत, चिल्लाओ दौड़े और बोलो मत, मैं नहीं सुनता हूँ किसी की।